Hey guys, welcome back to my new video. तो क्या हाल है भाई लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त है। और अभी हम होटल से नहा धो के निकल चुके हैं माता रानी के यहाँ चढ़ाई करने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 6:30 या 7 के आसपास टाइम हो रहा है। और आप मौसम देख सकते हो यहाँ का कितना प्यारा हो रहा है। और हमारे जीजा भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अभी पहले चलते हैं हम लोग, यात्रा पर्ची लेते हैं। यात्रा पर्ची क्या, अब तो खैर कार्ड बनने लगा है आई थिंक। तो पहले वहाँ चलते हैं और कार्ड बनवाते हैं अपना यात्रा पर्ची का। भाई अभी देखो यहाँ पे 6:30 बजे दुकानें भी सारी बंद हैं और खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं मिल रहा है हमें। जीजा को दवाई खानी, और ये थोड़ी बहुत शॉप खुली हुई है यहाँ पे, और जीजा के लिए अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ मैगी वैगी मिल जाती है तो वो मैगी खाएंगे क्योंकि उन्हें दवाई खानी है। और अभी चलते हैं आगे, हम सामने ही वहाँ जाके आपको दिखाएंगे हम कहाँ से यात्रा पर्ची लेने वाले हैं। तो भाई यहाँ से अपनी यात्रा पर्ची बनने वाली है, देख सकते हो आप, ये लग रहा बोर्ड यहाँ पे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ से हमने यात्रा पर्ची बनवाई है और यात्रा पर्ची कुछ इस टाइप की आ रही है। मैं जब पिछले साल आया था तो कुछ अलग था, पर इस बार ये कार्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाने को देख रहे हैं, यहाँ पे अभी खाना खाते हैं थोड़ा बहुत मैगी वैगी, उसके बाद हम चलेंगे माता रानी की चढ़ाई करने के लिए। तो गाइज हमारी जर्नी अब चालू हो चुकी है माता रानी के यहाँ, हम जा रहे हैं पैदल पैदल। एक तो गले में भी पता नहीं क्या हो गया है, और यहाँ से हम पैदल जा सकते हैं और कुछ ऑटो भी चलते हैं आप देख सकते हो, पर इन ऑटो का जो किराया है वो 210 रुपये है। तो हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हम अभी चल सकते हैं, तो हमने सोचा 210 रुपये देने से क्या फ़ायदा, इसलिए पैदल ही चलते हैं। तो और आप लोगों को यार गाइज मैं सबसे पहले तो हैप्पी होली मैं बोलना भूल गया था, आज होली है तो आप सभी को हैप्पी होली। और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं और जगह। तो गाइज अभी देख सकते हो ये चेक पोस्ट की लाइन लग रही है आगे, जहाँ माता रानी के हम चढ़ाई पे जाते हैं जहाँ चेकिंग होती है। तो पहले ही यहाँ पर लाइन लग चुकी है, कम से कम नहीं तो आधे किलोमीटर पहले ही लाइन लग गई है। तो भाई अभी लाइन देखो यार कहाँ तक है। और भाई यहाँ का व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। अभी ये ऊपर वाले पहाड़ों पे धूप आ चुकी है और इधर धूप नहीं है हमारे किधर भी, और ये सामने धूप आ रही है, बाकी यहाँ कहीं भी और धूप नहीं है जहाँ पे हम लाइन पे लगे हुए हैं। तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद सामने पहला चेक पोस्ट पे आ चुके हैं, और आप भीड़ देख सकते हो अभी कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। भाई अभी हम कम से कम 2 से 2.5 घंटा लाइन में लगने के बाद अब चेक पोस्ट पे हमारी चेकिंग हो चुकी है। तो अभी हमने चढ़ाई अपनी कर दी है चालू, और ये गाइस रास्ते में देखिए एक मंदिर पड़ा है बहुत प्यारा सा। तो अभी श्रद्धालु बहुत है आप देख सकते हो, होली के टाइम पे यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं। भाई जो लोग नहीं चल सकते यहाँ पे पैदल, तो उनके लिए यहाँ पे घोड़ा पिट्ठू होते हैं। अभी हम चलते चलते देखो आ गए हैं बाणगंगा, और बाणगंगा का पानी भी सूखा पड़ा है, पर यहाँ पे अगर जो लोग नहा के आए हैं घर से ही मतलब होटल से, तो वो लोग तो चढ़ाई कर सकते हैं, जो नहीं नहा के आए तो वो यहाँ से नहा धो के माता रानी की चढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई हम लोग तो नहा धो के आए थे, तो हम लोग यहाँ नीचे नहीं जा रहे अभी बाणगंगा में, हम आगे जा रहे हैं और हमें अभी लग रही है भूख, तो चलते हैं आगे खाएंगे यार कुछ। अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, हम लोग रुक गए थे खाना खाने के लिए, तो हम इस ढाबे पर आए हैं गुलशन शर्मा वैष्णो ढाबा। तो मैंने तो मंगाई है भाई मैगी अपने खाने के लिए, और जीजा ने मंगाया आलू का पराठा। तो यहाँ से पहले खाना खाते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस हम चलते चलते आ चुके हैं इस मंदिर के बाहर, ये देख सकते हो आप बहुत बढ़िया सा मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति लग रही है। अभी इतनी गर्मी लग रही है हमें, चलते चलते हमें पसीने आ गए हैं क्योंकि गाइस धूप बहुत तेज हो रही है यहाँ पे, और सांस भी फूल रही है चलने में क्योंकि अब मैं मोटा हो गया ना, तो दिक्कत हो रही है मुझे चलने में। तो अभी चलते चलते हम लोग भाई थक गए थे, तो हमने यहाँ नींबू पानी ले रहे हैं भाई से, और नींबू पानी के भी 20 रुपये का है, सही है यार पी लेते हैं, एनर्जी बनी रहेगी जब भी हम चल पाएंगे आगे, वरना तो बेकार है भाई, अपने बस की नहीं हो रही चलना, पैरों में दर्द हो गया अभी से ही। तो गाइज अभी हम चलते चलते आ गए हैं चरण पादुका मंदिर, तो ये रहा सामने चरण पादुका मंदिर,
बट मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं, कंटिन्यू रखेंगे अपनी जर्नी और आप भी ब्लॉग में बने रहिएगा यार। तो गाइज ये मंदिर देख रहे हो आप, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, ये मंदिर आज तक बना नहीं है, पता नहीं किस वजह से ये मंदिर आज तक नहीं बना है, बट मम्मी ने बताया था मुझे कि जल्दी में ही ये मंदिर बनने वाला है। ये देखो भाई, गाइज इनकी मेहनत देखो, मेहनत, हम तो खाली चल रहे हैं तो थक रहे हैं, ये बंदे इतना भारी वजन लेके चलते हैं और इंसानों को बिठा के लेके चलते हैं और फिर भी ये ले जाते हैं आसानी से ऊपर। और हमारी हालत अभी से ही ख़राब है, जिसमें कि हमारे पास खाली एक बैग है और उस बैग में पानी की बोतल है और कुछ थोड़ा बहुत सामान है, पर फिर भी हम थक गए, ये लोग नहीं थकते यार। तो भाई जय माता दी बोलते रहिए और ब्लॉग में बने रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हम बैठे हैं भाई, अभी हम थक चुके हैं, हम आधे घंटे बाद हम लोग बैठ जा रहे हैं, हम थक जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत देर हो गई चलते चलते, ये दो बार हम बैठ चुके हैं अभी तक। तो अभी आगे जाएंगे यार, व्यू देखो यार, व्यू कितना प्यारा आ रहा है यहाँ से। भाई अभी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया अर्धकुंवारी और हम धीरे धीरे चल रहे हैं और थकावट बहुत महसूस हो रही है, जो बात सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और नीचे का व्यू आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, हम कितनी ऊपर आ गए हैं नीचे से। भाई ये देखो हम नीचे से कितनी ऊपर आ चुके हैं, ये देखो नीचे सारा कटरा शहर है और हम अभी यहाँ चढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं गाइस। सो गाइस हम नए वाले रास्ते पे चढ़ चुके हैं माता के भवन पे जाने के लिए, और ये यहाँ पे दो रास्ते कटते हैं, एक ये ऊपर अर्धकुंवारी को जाता है और एक ये जाता है सीधा भवन को। तो हम सोच रहे हैं सीधा भवन पे चलते हैं, सीधा सामने वाले रास्ते से भवन पे ही जाते हैं हम। और ये देख लो यहाँ से इस वाले रास्ते से आप अर्धकुंवारी जा सकते हो, 400 मीटर की दूरी पे अर्धकुंवारी है, सामने लिखा है अर्धकुंवारी 400 मीटर। तो भाई अभी कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ के वेदर की वजह से हमारे होंठ भी सारे सूख गए हैं और फट गए हैं, अजीब से हो गए हैं। तो ये देखो यार, पहले तो तुम सबसे प्यारा नज़ारा लग रहा है यार यहाँ से, ये एक सेकेंड अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है, ये पूरा कटरा शहर दिख रहा है यहाँ से, हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं अभी। तो भाई अभी हम फिर से बैठ गए हैं क्योंकि मेरे पे चला नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं तो मुझे भूख भी लग रही है। तो हम कहीं आगे जाके देखेंगे, कड़ी चावल खाएंगे क्योंकि बाकी चीज़ तो बेकार है यार, कड़ी चावल खाएंगे तो ही पेट भरेगा, बाकी छोटी मोटी चीज़ों से पेट तो भरने से नहीं रहा। तो अभी मेरे बैग में मट्ठी रखी थी तो मैं वो मट्ठियाँ खा रहा था बैठा बैठा थोड़ी देर। और अभी भवन यहाँ से कम 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है, तो देखते हैं यार कब तक पहुँचेंगे, दिखाते हैं आपको भी वहाँ चल के। तो भाई अभी हमें फाइनली भवन दिख चुका है, ये रहा आप भी देख लो गाइस, दर्शन कर लो। तो गाइस अभी हम माता रानी के भवन पे तो आ चुके हैं और हमने अभी यहाँ पे अपना सामान जमा कर रहे हैं क्योंकि अंदर मतलब लेके नहीं जा सकते फ़ोन वोन, तो हम सारा सामान यहीं पे जमा कर रहे हैं। तो हम दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई अभी अपने मस्त वाले दर्शन हो चुके हैं भवन पे और अभी हम सोच रहे थे रोप वे से जाएंगे, पर यहाँ पे टाइम ओवर होने वाला है इसका, तो हमने कहा लाइन में लगने से कोई फायदा नहीं है और लाइन बहुत लंबी है। तो अभी चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और मिलते हैं गाइस आपको रास्ते में।
भाई लोग अभी हम आ चुके हैं भैरव बाबा मंदिर पे और हमने दर्शन भी कर लिए। सामने ये देखो आप देख सकते हो भैरव बाबा का मंदिर है और यहीं से माता रानी का दरबार भी दिख रहा है। देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और सच बताऊं तो अभी मेरी एनर्जी हो चुकी है बिल्कुल डाउन, क्योंकि भाई अभी पानी भी खत्म हो रहा है हमारे पास। पहले पानी भरते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी तो बाहर आगे चल के कुछ और भी खाते हैं और अभी थोड़ी बहुत देर या रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं हम लोग। तो हमें ये खूबसूरत सा नज़ारा छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से जाने का, पर क्या करता मैं बहुत देर से चलते चलते थक गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा मजबूरन। तो भाई यार मैं कब से सोच रहा था कि रात होएगी रात होएगी रात होएगी, तो फाइनली रात हो चुकी है और मुझे एक मस्त सा नज़ारा दिखाना है आपको। देखो यार ये देखो गाइस रात में कितना प्यारा लगता है ये पूरा कटरा शहर नीचे से। तो भाई अभी हम चढ़ाई वढ़ाई करके आ चुके हैं और हमारी हो गई है बिल्कुल बैंड बज गई, जैसे बोलते हैं ना बैंड बज गई है मेरी तो खासकर। देखो मेरा पैर भी सूज गया गाइस, ये देखो सारा सूज गया इधर से। तो भाई मैंने बीच में रास्ते की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरी हो गई थी हालत ख़राब और फिर उसके बाद मैंने घोड़ा कर लिया था तो मैं नीचे घोड़े से ही आया हूँ। अर्धकुआरी से अपने रूम तक मतलब होटल तक डायरेक्ट मैं घोड़े पे आया हूँ, फिर अपना भी यहाँ बैठे हुए हैं और जीजा खाना वाना लेने गए हैं। तो यार खाना वाना आता है खाना खाते हैं। और फ्रेंड गाइज आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यार अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए बाय बाय।